हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर के week-4 की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने तीसरा वीक, दूसरा और पहला वीक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके प्री और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सब में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पोर्शन इस करंट अफेयर में प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा करंट अफेयर का पोर्शन मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो यू कैन इजीली गो टू hpjournalstudies.com और वहां पर आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की week-4 की। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, एक हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ने एक NDPS नाम का बिल है जिसमें अमेंडमेंट एक्ट पास करने की कोशिश की। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लॉ उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब मॉडिफिकेशन की जाती है। लॉ एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। जो लॉ 1950 या 1985 में एप्लीकेबल था, हो सकता है वो 2018 में कोई रेलेवेंस ना रखता हो, तो इसलिए समय समय पर इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। जैसा NDPS नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट था जो कि 1985 में पास किया गया था, तो इसमें हमने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, उसके तहत हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश की गई जिसमें प्रोविजंस थोड़े से डिफिकल्ट बना दिए गए। तो इसके अंतर्गत हुआ क्या, सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के तहत होगा क्या। ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास ड्रग्स है, इररिस्पेक्टिव उसके पास कितनी ड्रग्स है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी कितनी है और वो इन्वॉल्व है इलीगल ट्रैफिकिंग में, अगर उसके पास कोई भी सब्सटेंस पाया जाता है तो उसके लिए हमने रूल चेंज कर दिया कि हमने बोला कि ऐसे पर्सन को बेल नहीं मिलेगी। इस अमेंडमेंट के तहत बोल दिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट, कि आपको बेल किसी हाल में नहीं मिल सकती है। एंड दिस अमेंडमेंट जब ये क्लियर हो जाएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा, जब इसको गवर्नर से परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद कोई भी नहीं होगा। दूसरी, द बिल इफ क्लियर्ड बाय द सेंटर विल लैंड पर्सन carrying any amount of drug in the jail till the court grants bail. मतलब अगर सेंटर ने भी इसको पास कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी आपके पास ड्रग्स है, क्वांटिटी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और आपको तब तक जेल में रहना होगा जब तक मजिस्ट्रेट आपको हियर नहीं करता और आपको बेल ग्रांट नहीं करता। उसके अलावा स्टेट बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि हमें 85,000 करोड़ का इन्वेस्ट मिल जाए ड्यूरिंग ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। जैसा कि हमने week-2 और week-1 में डिस्कस किया था कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वाले रीजन में होगी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसके लिए हम 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की कोशिश करेगी। उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान एक्शन ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि हमारी जो इन्वेस्टर मीट है वो कहाँ पर होगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ग्राउंड ट्रेनिंग सेंटर है और HPCA स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है वहां पर भी होगे। इसमें इन्वेस्टेबल प्रपोजल स्पेसिफिकली 8 सेक्टर्स में होगे, जैसे एग्री बिजनेस सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इंडस्ट्री इंक्लूडेड इन फूड प्रोसेसिंग जो कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, फार्मा, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे के सारे जो पोर्शंस है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के, इसमें इको टूरिज्म, पावर, आयुर्वेदा और हेल्थ केयर में सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इन सब में हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं आयुष्मान भारत स्कीम की। आयुष्मान भारत स्कीम मोदी गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम में से एक मानी गई है। इट प्रोवाइड्स हेल्थ कवर टू 21 लाख पीपल ऑफ स्टेट्स। मतलब इस स्कीम के तहत अभी तक जो प्रोविजन है उसमें हिमाचल प्रदेश के 21 लाख लोग कवर हो गए। दूसरी बात, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात कही कि दिस इज अ वेरी एम्बिशियस स्कीम, ये बहुत एम्बिशियस स्कीम है विच हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके अलावा द स्कीम हिम केयर ऑल्सो हैज बीन लॉन्च्ड इन स्टेट फॉर दोज हु वर नॉट कवर अंडर
आयुष्मान भारत स्कीम। तो यहां से प्री का बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोगों को कवर किया गया है स्कीम के तहत, 21 लाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी स्कीम है जो ऐसे लोगों को कवर करती है जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर नहीं हुए, तो स्कीम का नाम है हिम। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिहाज से, प्री के लिहाज से। तीसरी खास बात मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि इन स्कीमों को मैं अलग से कवर करने वाला हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश की हिम केयर या फिर आयुष्मान भारत स्कीम जो मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल इसमें प्री के लिहाज से भी पूछे जाते हैं। द लास्ट न्यूज फॉर टूडे इज हिमाचल प्रदेश टू इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट इन मिशन मोड। तो सबसे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या, इसका दूसरा नाम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006। तो यहाँ से सीधा सवाल ये हो सकता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कब से इम्प्लीमेंट किया गया या कब आया था। एक सवाल प्री के लिहाज से ये हुआ। दूसरी खास बात, हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रामलाल मारकंडे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ FRA। तो ही वॉज रिप्लाइंग टू अ मोशन ब्रॉट बाय पालमपुर के MLA आशीष बुटेल और राकेश सिंघा, जो कि थे वो के MLA, उनके मोशन को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की जो है उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है FRA को शेड्यूल्ड ट्राइब रीजन में 2008 से। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से और हो गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब में कब से इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा, नॉन ट्राइबल एरियाज में हमने 2012 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू करी है डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप इस एक्ट के तहत जितने भी प्रोविजंस हैं उनको जल्द से जल्द लागू कीजिए। उसके लिए तीन कमेटियां बनाएगी, एक स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लास्ट विलेज लेवल पे, जिसमें जितने भी क्लेम्स हो गए, किसी के इंडिविजुअल क्लेम्स हो सकते हैं और लोकल कम्युनिटी के भी क्लेम्स जो हैं वो सारे के सारे सेटल किए जाएंगे। सो ये बात सबसे पहले कब हुई, जब 2319 क्लेम्स आए सेटलमेंट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति से। उसमें 136 क्लेम, जिनमें से 129 जो क्लेम्स है इंडिविजुअल थे और उनमें से 7 कम्युनिटी क्लेम्स थे, वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड देम। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट।